आज क्या हुआ कि इनको अचानक से कहीं जाना था, जाना था तो हम सोचे बाहर में ही कुछ खा लेंगे, तो नहीं, इनको तो जाना था तो 1 घंटा पहले ही बोल रहे हैं हमको कुछ घर का नाश्ता बना दो मीना, जो कि हमें यही के नाश्ता ले जाना भी है और खाना भी है, बाकी बच्चे अपने समझ लेंगे कि घर का ही खाना खाएंगे। अब हम क्या बोले, हम कहे क्या बनाया अचानक सा, जो आप पहले बोले नहीं अभी बोल रहे हैं, तो हाँ अभी ही बनाओ। कहे ठीक है देखते हैं बनाते हैं, वो भी प्याज से बनाओ, प्याज का नाश्ता बनाने के लिए इतना आसान नहीं है, सारे चीज तैयारी करना, कहने के लिए तो कह देते हैं लोग कि प्याज का नाश्ता बनाओ, पर उनका सामग्री तैयार करने में ज्यादा ही कुछ टाइम लगते हैं। तो बोले ठीक है देखते हैं चलिए बनाते हैं, पर हम ऑडियंस के साथ पहले शेयर तो कर लो, 1 घंटा समय, 1 घंटा समय में आपका नाश्ता भी बन जाएंगे और ऑडियंस के साथ शेयर भी कर देंगे। तो आज प्याज से नाश्ता बनाएंगे, एकदम कम तेल में, 2 बूंद तेल में बनाएंगे, चलिए इनको हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मीना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम 1 कप आटा लिए, गेहूं का आटा, और चुटकी भर 2 चुटकी लिए अजवाइन, 2 चुटकी काली कलौंजी लिए मंगरेला, और यहाँ पे हम लेंगे तेल, आप चाहे तो इनमें घी भी ले सकते हैं। तो तेल हम आधा छोटा चम्मच के करीब तेल ले लिए। तेल को मोयन लगाने से क्या हुआ कि एक तो सरसों के तेल से काफी स्वादिष्ट बनते हैं और खास्ता कुरकुरा भी बनते हैं, और इनमें स्वाद अनुसार मतलब थोड़ा सा नमक लिए हैं, क्योंकि भाई हमें प्याज में भी नमक चाहिए। इनको अच्छे से देखिए मसल लीजिए, इस तरह से बढ़िया से मोयन करना है और बाइंडिंग करके देख लीजिए, अच्छे से बाइंडिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पे फटाफट से हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं आजकल, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। अगर हाँ यही रेसिपी अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए यहाँ पे हम डो तैयार करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी दे करके, ज्यादा पानी एक साथ मत लीजिएगा, तो डो को हम पहले अच्छे से तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे डो एकदम सॉफ्ट बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करें कि 1 कटोरी में इनको हम इस तरह से ले लेते हैं, और लेने के बाद हम ढक करके रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इसी बाउल में हम क्या करेंगे अब फटाफट से कि हम 1 कप प्याज फाइन चॉप कर लिए हैं हाथों से, ध्यान रहे चॉपर से मत करिएगा, हाथ से ही कीजिएगा, तभी जाके टेस्ट आने वाले हैं, स्वाद आने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 कप प्याज ले लिए, अपने आटा के अनुसार लीजिएगा। अब इनमें हम लेंगे कुछ मसाला, तो हम यहाँ पर भी लेंगे अजवाइन, ये 2 चुटकी के करीब हथेली पे इस तरह से क्रश करके ले ले, 2 चुटकी ही हम लेंगे यहाँ पे काली कलौंजी। और आज का नाश्ता एकदम खास है, आप लोग देखिएगा तो फटाफट बनाइएगा जरूर। और यहाँ पे लेंगे हम 1 छोटा चम्मच हम लिए हैं लहसुन चॉप किया हुआ, 1 छोटा चम्मच अदरक चॉप किया हुआ, क्योंकि चॉप किया हुआ जब दांतों तक जाते हैं ना इस रेसिपी में तो वाह क्या लगते हैं, तो हम इनको ले लेते हैं। और अब हम ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ी हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च चॉप करके ले लिए हैं, और यहाँ पे हम ले लिए हैं चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर और ये जीरा पाउडर, तो ये दोनों 2-2 चुटकी है, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच है, सबको हम ले लेते हैं यहाँ पे मसाला को, और काला नमक सफेद नमक भी हम साथ में ले लेते हैं। देखिए ये काला नमक है करीब 2 चुटकी के करीब, और स्वाद अनुसार सफेद नमक सबको हम ले लेते हैं। अच्छा, बाइंडिंग के लिए यहाँ पे हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच चने का सत्तू, भुना हुआ चना जो रोस्टेड होते हैं ना उन्हीं का सत्तू, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, हम बाइंडिंग के लिए लिए हैं। यहाँ पे हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, यहाँ पे थोड़ा सा हम बचा लेंगे, और सबको हम क्या करेंगे यहाँ पे मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लेंगे तेल, सरसों का तेल, तो सरसों के तेल हम करीब 1/2 छोटा चम्मच इनमें ले ही लिए हैं, और अब हम इनको अच्छे से मिलाएंगे, मतलब हल्के हाथ से मसल मसल के नहीं मिलाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी प्रेस करना ना भूले। और कहाँ कहाँ से हमारी रेसिपी आप लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भरा कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। यदि यही रेसिपी आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, एकदम हिगरा के बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर अपना प्यार दुलार दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इनको हम मसल मसल के 1 डो के फॉर्म में तैयार थे, ध्यान रहे आपको सत्तू लेना होगा तो लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन इस तरह से आपको मिलाना होगा ताकि ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। देखिए इस तरह से गोल गोल ये बाइंडिंग हो जाए, हमें बाइंडिंग करना है तो, और चक करके भी देख लीजिएगा नमक, और हाँ जब बनाना हो तभी नमक लीजिएगा, उससे पहले नमक मत लीजिएगा,
ठीक है, नहीं तो प्याज भी क्या करेंगे, पानी छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर और आपको सत्तू लेना पड़ जाएगा, मतलब ले लीजिएगा पानी अगर छोड़ दे तो। यहाँ पे इनको अच्छे से हम मिला लेते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से हम स्टफिंग तैयार कर लिए हैं। अब क्या करना है इनको, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा नींबू का आकार का गोल गोल लड्डू बना ले। लड्डू बनाते हुए दबा करके लड्डू बनाइएगा, पानी बिल्कुल नहीं लेना है। और हाँ, चाट मसाला हम इसलिए ले कि चाट मसाला में तो सारे चीज होते ही होते हैं, आप नींबू का रस यहाँ पे मत लीजिएगा, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप नींबू का रस लेते जाइएगा, और उसके में गीला होगा तो सत्तू लेते जाइएगा, और बोलेंगे मीना जी तो बताई नहीं थी, मीना जी बता दी हैं आपको, तो ध्यान रहे कि नींबू का रस मत लीजिएगा। चाट मसाला चाहे आमचूर पाउडर आप ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें यहाँ गोल गोल लड्डू बना लेने दीजिए, पूरे को लड्डू बना लेते हैं। यहाँ पे सारे को हम लड्डू बना करके रेडी कर लिए हैं। हम लड्डू को क्या करेंगे कि करेंगे साइड, और यहाँ पे हम एक चकला लेंगे, तो हम इस चकले को इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें फटाफट नाश्ता बनाना है, पहले हम बताते हैं कि कैसे बना सकते थे। तो इनको हम अच्छे से मतलब एक बार चुनमट्टा करके अच्छे से इनको पहले रोल बना लेते हैं गोली चकले पर लेने के लिए, और थोड़ा सा आज हम डस्टिंग करेंगे इन पे हल्का सा। अब हम एक रोटी बड़ा सा बेलेंगे, रोटी पतला हो अच्छा हो। अब इसमें से क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी तिल छिड़क दे, और थोड़ा सा हरा धनिया, ज्यादा जरूरत नहीं है, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं। इनको हम कट करेंगे एक बड़ा सा कटोरा जिसका शार्क धार हो, तो यहाँ पे हम कटोरे से कट कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया कट हुए हैं भाई, पूरी को यहाँ निकाल लीजिएगा तब कट कीजिएगा, नहीं तो अगर गए हम दूसरा पूरी कट करने, मेरा अगला पूरी ही कट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दो ही पूरी का है ना कट हो, लेकिन अच्छा से कट कीजिएगा। तो यहाँ इनको भी हम कट कर लिए हैं, और उसके बाद स्टफिंग रखें। स्टफिंग रखने के बाद कोई मेहनत नहीं है, आप जैसे मन वैसे उठाएं इस तरह से, और स्टफिंग को इस तरह से दबा दें एकदम बढ़िया से, थोड़ा सा कट कर लें ताकि देखने में सुंदर लगेंगे, और बस इसी तरह से स्टफिंग कर लेना है। सभी को स्टफिंग करके हम अच्छे से तैयार कर लिए हैं। चाहे तो आप खूबसूरती के लिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा गोल भी कर लीजिए ऐसे ऐसे करके, क्योंकि हम इधर चुनमट्टे दिए हैं ना, तो इस तरह से गोल कर लीजिए। हाँ, खास बात जैसे हम बनाएंगे आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। चलिए हम गैस पर चलते हैं। अब गैस ऑन करके हम ले लेंगे यहाँ पे अप्पे, और गैस को एकदम देखिए एकदम मीडियम रखना है, अप्पे में ही बनाएंगे क्योंकि फ्राई नहीं करना है हमें। यहाँ पे हम आज लेंगे घर का बना हुआ देसी घी, तो एकदम छोटा चम्मच हम देसी घी लेंगे, इसी में हम बनाएंगे, और देखिए कैसे बनेंगे उतना में। तो बस यहाँ पे ले लेंगे ब्रश, बहुत लोग बोलते हैं इसको कहते हैं कम तेल, तो इसको ना कहते हैं कम तेल तो क्या हम जीरो ऑयल में थोड़े ना बना रहे हैं, बोल रहे हैं 2 बूंद तेल से, तो 2 बूंद तेल तो हम लिए हैं आटा और सत्तू में, हम तो इनमें ले नहीं रहे, यहाँ तो हम देसी घी में बना रहे हैं। देसी घी कौन सा खराब होता है, जिनको नहीं पसंद है घी ना खाए। तो यहाँ पे हम सबको ग्रीस कर लेते हैं, बस इसी समय अप्पे में हम सारे कचौड़ी हम ले लेंगे इस तरह से, और देखिए सभी को ले लेंगे, सभी को अप्पे में ले लिए हैं। और थोड़ी सी जो हमारे आटे बच गए हैं, तो आपको ले चलते हैं करीब 20-25 साल पीछे, क्योंकि इस तरह से हमारे घर में, हम सभी के घर में लिट्टी लगते थे तिनछिया चूल्हा में, ये लिट्टी खाने के लिए अब तरसते हैं, उस समय हम लोग नहीं खाते थे। इनको हम क्या करेंगे, हल्का सा गोल करेंगे इस तरह से फटाफट, कोई बात नहीं रफली, और इनको भी हम अप्पे में ले लेंगे। तो सबसे पहले इनको इधर से सेकेंगे, यहाँ ले लिए, इनको भी सेक लेते हैं। अब इन लोगों पर से मतलब इन सारे कचौड़ियों पे हम थोड़ा थोड़ा ब्रश मारेंगे घी का इस तरह से, ताकि शाइनिंग आए इनमें। अच्छा, हम बीच वाले को क्या करेंगे कि उलट पुलट के इस तरह से सेकेंगे, क्योंकि बीच में ज्यादा आँच लगते हैं ना, तो आप चाहें तो इस तरह से भी आप पका सेक सकते हैं इनको इस तरह से ऐसे कर करके। हम यहाँ पे सबको उलट पुलट के सेकेंगे इस तरह से, बीच का जो जो अच्छे से ये पकते जा रहे हैं आपको दिखा दे रहे हैं, उनको हम बाहर लेते जा रहे हैं। देख रहे हैं कितना बढ़िया से फूले फूले बने हैं ये, तो जो भी बीच का है उनको हम निकालते जा रहे हैं, जो किनारे का है उनको हम इसमें इस तरह से लेते जाएंगे। जैसे जैसे पकते गए वैसे वैसे हम निकालते गए सभी अप्पे को, अप्पे कचौड़ी को। यहाँ पे अप्पे कचौड़ी सारे बनकर तैयार है हमारे, ये जो इनमें कोई स्टफिंग नहीं था ना वो वाले हैं। चलिए हम बिना स्टफिंग के ही तोड़ के दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितना बढ़िया से एकदम अंदर तक पके हैं। इनको सर्व करेंगे हम मीठी दही के साथ, आप चाहे तो चटनी भी बना सकते हैं कुछ, मतलब और सब्जी भी ले सकते हैं, और आलू चना का सब्जी भी हो। हाँ, हम बिहारी का क्या आदत है ना, अब कचौड़ी लिट्टी समोसा बने हैं तो बिना हरी मिर्च के है कहाँ खाना, तो हरी मिर्च तो चाहिए ही चाहिए। चलिए हम एक तोड़ के दिखाते हैं एक और यहाँ पे कचौड़ी को, ये देखिए इनका स्टफिंग
वाह क्या बात है, एकदम देख रहे हैं। अब बोलिएगा मैम खा के दिखाइए। तो भाई मीठी दही के साथ थोड़ा सा तो खा करके दिखाना पड़ेगा ना, एक नंबर बने फ्रेंड्स। इसके आगे तो क्या बोलूं, पिज्जा बर्गर सारे समोसे सारे फेल हैं। बिना तेल घी का एकदम कम तेल में, 2 बूंद तेल में बना करके नाश्ता रेडी कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की। बाय।